एपिसोड की स्टार्टिंग में श्यावजी फांग के पास आती है, जिससे वो आईज क्लोज कर देता है क्योंकि उसे लग रहा था कि श्यावजी उसे किस करने वाली है, लेकिन वो बस कॉफी का कप लेने आई थी और कप लेके वहाँ से चली जाती है, जिससे फांग कंफ्यूज होता है। नेक्स्ट सीन में जब फांग अपने ऑफिस में था तभी वहाँ हान रिपोर्ट लेकर आता है। रिपोर्ट देने के बाद जब हान जाने वाला था तो फांग उससे पूछता है कि मेरा एक फ्रेंड है, हाल ही में एक लड़की ने उसे किस किया है लेकिन अब वो उसे अवॉइड कर रही है। हान समझ जाता है यहाँ पे फांग अपने बारे में बात कर रहा है। हान कहता है कि मे बी वो लड़की की हरकतों से ऐसा लग रहा है कि वो लड़की जानबूझ के ऐसा कर रही है ताकि आपका फ्रेंड उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट हो। फिर बातों बातों में फांग पूछता है कहीं ये आपके फ्रेंड की फर्स्ट किस तो नहीं थी, लेकिन फांग के रिएक्शन से हमें समझ में आ जाता है कि ये फांग की फर्स्ट किसी थी। ये देखकर हान भी बहुत खुश होता है। बाहर जाकर हान श्यावजी से पूछता है कि क्या तुम जानबूझकर फांग को अवॉइड कर रही हो ताकि वो तुमसे ज्यादा अट्रैक्ट हो, तो श्यावजी हाँ बोलती है। तो हान खुश होता है और उसे एडवाइस देता है कि तुम्हें और कैसे करना चाहिए। उसके बाद श्यावजी फांग के पास जाती है जहाँ पे फांग उसे कहता है कि मुझे एक फ्राइड चिकन शॉप के बारे में पता है, आज रात को हम दोनों वहीं डिनर के लिए चलेंगे, लेकिन श्यावजी मना कर देती है और कहती है कि मेरा चिकन खाने का मन नहीं है। फांग कहता है कि कल रात को तो तुम कह रही थी कि चिकन तुम्हारा फेवरेट है, अब क्या हुआ? तो श्यावजी कहती है कि अब मेरा मूड चेंज हो गया है और वर्ल्ड में इतने सारे खाने हैं, सिर्फ मुझे फ्राइड चिकन पसंद है ऐसा नहीं है। ये सुनकर फांग गुस्सा होता है और कहता है कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो कि तुमने एक बार चिकन खाया फिर तुम उसे भूल जाओ। यहाँ पे दरअसल फांग अपने बारे में बात कर रहा था क्योंकि श्यावजी ने कल रात को उससे किस किया था और अब श्यावजी उस बारे में कुछ बात भी नहीं कर रही थी, प्लस वो फांग को अवॉइड भी कर रही थी। लेकिन श्यावजी कहती है कि मेरा मन होगा मैं वो करूंगी, अगर मेरा मन फ्राइड चिकन खाने का नहीं है तो मैं नहीं खाऊंगी। फांग गुस्सा होता है और श्यावजी के पास आता है जिससे दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन फिर श्यावजी फांग को धक्का देती है और कहती है कि मुझे इतना सारा काम है और तुमने यहाँ मुझे फ्राइड चिकन के बारे में बात करने के लिए बुलाया है, मैं जब फ्री होंगी तो मैं आकर खुद तुमसे बात करूंगी, और वहां से चली जाती है। ये देखकर फांग भी कंफ्यूज होता है। बाहर जाकर जब श्यावजी काम करती है तो फांग हान के पास आता है और कहता है कि श्यावजी एक ऑफिस गर्ल है, उसे इतना सारा काम किसने दिया है? तो हान कहता है कि आप ही ने श्यावजी को इतना सारा काम देने को कहा था क्योंकि आप चाहते थे कि वो जॉब क्विट करके चली जाए, जिससे फांग और भी ज्यादा कंफ्यूज होता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्यावजी वन ग्रुप कंपनी में मिस्टर फांग से मिलने गई है, लेकिन रिसेप्शनिस्ट बताती है कि मिस्टर फांग बिजी हैं और वो नहीं मिल सकते हैं। जिसे जाने के लिए श्यावजी मुड़ती है तो पीछे जियांग खड़ा हुआ था। ये वही था जो श्यावजी की सीक्रेटली हेल्प कर रहा था क्योंकि ये भी केप टाउन से ही था। श्यावजी उसे देख के खुश होती है और दोनों बात करते हैं। श्यावजी कहती है कि मैं यहाँ पे वांग से मिलने आई थी लेकिन अभी वो बिजी है तो मैं बाद में आऊंगी, लेकिन जियांग उससे पूछता है कि तुम्हें किस बारे में काम था मुझे बताओ। दरअसल जियांग इस कंपनी का सीईओ था। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फांग मीटिंग में है जहाँ पे रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट के बारे में डिबेट हो रही है। कांग अभी भी उसके अगेंस्ट में था और कह रहा था कि अगर हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खोलेंगे तो हमारी कंपनी के लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हमारी कंपनी इतना पैसे नहीं ला पा रही है और तुम और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की बात कर रहे हो। लेकिन फांग कहता है कि जब तक हम लोग और प्रोडक्ट मार्केट में नहीं लाएंगे तब तक हमारी कंपनी और ज्यादा अच्छी होगी इसके चांसेस कम है, इसलिए हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट मार्केट में लाने चाहिए। कांग सब को इस आइडिया से अगेंस्ट में करने का ट्राई करता है और उसे लगता है कि जाओ तो उसकी साइड लेगा ही, लेकिन जाओ भी फांग को परमिशन दे देता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट स्टार्ट करने की, जिससे कांग शॉक होता है। मीटिंग के बाद कांग फांग के पास आता है और इसी बारे में बात करने लगता है और उसे गुस्सा दिलाने का ट्राई करता है, लेकिन उसी टाइम हान वहां आता है जिससे कांग वहां से चला जाता है। उसके बाद फांग श्यावकी के बारे में पूछता है कि वो अभी तक मीटिंग से वापस नहीं आई है, लेकिन हान कहता है कि आपने उसे बहुत ज्यादा काम दिया है इसलिए शायद उसे में लेट होगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जियांग और श्यावची की मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है। उसके बाद जियांग उसे डिनर पर इनवाइट करता है, लेकिन श्यावची कहती है कि अभी उसके पास टाइम नहीं है, लेकिन जैसे ही जियांग उसे कहता है कि हम फ्राइड चिकन खाने चलेंगे वो हैप्पीली अग्री हो जाती है। जियांग भी ये देख के कंफ्यूज होता है। उसके बाद दोनों चिकन खाने जाते हैं जहाँ पे श्यावची बहुत सारा चिकन खा रही थी, जैसे जियांग कहता है कि अगर तुम्हें पैक करवाना है तो तुम पैक भी करवा सकती हो, तो श्यावची पैक भी करवा लेती है। जियांग ये देख के कंफ्यूज होता है। फिर श्यावची उसे चिकन ऑफर करती है, लेकिन जियांग कहता है कि उसे फ्राइड फूड पसंद नहीं है, तो श्यावजी कहती है कि तुम और मिस्टर फांग एक जैसे हो, उन्हें भी नहीं पसंद है। जियांग उसे पूछता है कि क्या तुम और मिस्टर फांग बहुत क्लोज हो, तो श्यावजी कहती है कि उन्होंने मेरा फायदा उठाया है हम ये कह सकते हैं। श्यावजी पूछती है कि क्या तुम उन्हें जानते हो, तो जियांग कहता है कि मैंने उस दिन उन्हें पार्टी में देखा था, पार्टी के बाद वो तुम्हारा हाथ पकड़ के ऐसे गए माना तुम दोनों रिलेशनशिप में हो। तो क्या रियल में तुम दोनों रिलेशनशिप में हो? श्यावजी कहती है कि हम कोई रिलेशनशिप में नहीं है, मैंने पहले ही कहा कि उन्होंने मेरा फायदा उठाया है। दोनों
बातें कर ही रहे थे, सेम टाइम पर फांग कार लेके वहां से निकल रहा था और उसकी नजर श्यावकी पे जाती है और वो उसे जियांग के साथ देख के शॉक हो जाता है। श्यावची अंदर खाना खा ही रही थी तो उसका पूरा फेस बिगड़ चुका था। जियांग उसका फेस क्लीन करने आ ही रहा था कि तभी श्यावची को फांग का कॉल आ जाता है, जिससे वो कॉल उठाने जाती है और जियांग रुक जाता है। फांग उसे अभी के अभी बाहर आने को कहता है, जिससे श्यावची कहती है कि मेरे बॉस मुझे बुला रहे हैं और जियांग को बाय बोल के वहां से चली जाती है। बाहर हम देखते हैं कि श्यावकी के पास फांग आता है, जो उससे पूछता है कि जब मैंने तुम्हें चिकन खाने के लिए पूछा था तब तो तुम्हें चिकन पसंद नहीं था। तो श्यावकी कहती है कि तब मेरा मन नहीं था लेकिन फिर अब मेरा मन हो गया। ये देखकर फांग गुस्सा होता है और श्यावकी के हाथ में जो फ्राइड चिकन था वो पास ही में बैठे एक कपल को दे देता है, लेकिन श्यावची कहती है कि ये मेरा चिकन है और मुझे घर ले जाना है, और उन कपल से वो चिकन लेने का ट्राई करती है। लेकिन उसी टाइम पे फांग उसे गोदी में उठा लेता है और वहाँ से ले जाता है और कहता है कि तुम अब से सिर्फ मेरे साथ ही फ्राइड चिकन खा सकती हो और किसी के साथ नहीं। फिर उसे कार में बैठा देता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जब श्यावची जियूबू एंड शाय अपने रेस्टोरेंट में थी तभी वहाँ पे जाओ आती है, जो आते ही शाय से कहती है कि उसे पूरा कैफे बुक करना है। शाय कहती है कि हमारा कैफे बहुत ही एक्सपेंसिव है, लेकिन जाओ उसे कार्ड देती है और कहती है कि सब बाहर जाओ, उसे श्यावची से अकेले में बातें करनी है, जिससे जियूबू एंड शाय बाहर चले जाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि शाओ एंड श्यावची बातें कर रहे हैं, जहाँ पर जाओ श्यावची से कहती है कि मुझे पता है कि तुम और फांग बहुत ही क्लोज हो और तुम दोनों साथ में रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम भी कर रहे हो, और उसे एक ब्लैक कार्ड देती है। श्यावची को लगता है कि वो उसे फांग से दूर रहने के लिए कार्ड दे रही है, इसलिए वो कार्ड वापस कर देती है और कहती है आप हम दोनों को अलग नहीं कर सकती हो। लेकिन जाओ श्यावकी से कहती है कि मैं तुम दोनों को अलग नहीं करना चाहती हूँ, बल्कि मैं तो चाहती हूँ कि तुम फांग के बहुत क्लोज रहो, क्योंकि फांग तुम पे कुछ ज्यादा ही भरोसा करता है और मैं तुम्हें 1,00,000 रुपए देने को तैयार हूँ अगर बदले में तुम फांग की सारी रिपोर्टिंग मुझे दो। श्यावची कार्ड देख ही रही थी उसी टाइम हम देखते हैं कि बाहर फांग आ जाता है, जो उन दोनों को बातें करता हुआ देख लेता है और शॉक होता है। उसके बाद वो फांग के पास जाता है, जहाँ पे फांग श्यावची के बारे में बात करने ही वाला था, लेकिन तभी हान उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि मैंने श्यावकी और जाओ को साथ में बातें करते हुए देखा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि फांग डॉक्टर जियांग के पास गया है, जहाँ पर वो उसे सारी ही बातें बताता है और उसे कहता है कि श्यावची ने कंपनी की बहुत बड़ी बड़ी मीटिंग्स में मेरा साथ दिया है और मैं अब नहीं चाहता हूँ कि वो जाओ के साथ मिल जाए। अगर उसने जाओ के पैसे एक्सेप्ट कर लिए हैं तो ये चीज मुझे कैसे पता चलेगी। जियांग उसे बताता है कि ह्यूमन बिहेवियर हम ये समझते हैं कि अगर किसी पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन से बहुत सारे पैसे लिए हैं तो वो पर्सन सबसे पहले चीज तो यही करेगा कि वो बहुत सारी शॉपिंग करेगा। फांग उसकी बातें सुनता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं श्यावकी जियूबू एंड चाय शॉपिंग करने गई हैं, जहाँ पे सब लोग अपने अपने लिए कपड़े ले रही हैं। जब श्यावकी अपने लिए कपड़े लेती है तो उसे वो बहुत ही ज्यादा अच्छे लगते हैं, लेकिन जब बिलिंग की बारी आती है तो वो देखती है कि बिल तो बहुत ज्यादा है, तो वो शाय एंड जियूबू के लिए कपड़े ले लेती है लेकिन खुद के लिए ड्रेस नहीं लेती है, जिससे शाय उसे कहती है कि तुम्हें अपने लिए भी कपड़े लेने चाहिए, लेकिन श्यावकी कहती है कि अब मुझे ये कलर अच्छा नहीं लग रहा है, और ऐसा कह के फिर वो अपने लिए कपड़े नहीं लेती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि श्यावकी जुबन शायद जब शॉपिंग करके आ रहे थे तो फांग उन्हें देखता है और फांग को डॉक्टर जियांग की बात याद आती है, उन्होंने कहा था कि अगर किसी पर्सन ने पैसे लिए हैं तो वो सबसे पहले शॉपिंग करने जाएगा। श्यावकी उसके पास हेडबैंड लेके जाती है जो वो फांग के लिए लेकर आई थी, लेकिन फांग गुस्सा होकर उसे धक्का देके वहां से चला जाता है, जिससे श्यावकी कंफ्यूज होती है। शाय कहती है कि मे बी तुमने उसे इतना छोटा गिफ्ट दिया है इसकी वजह से वो गुस्सा हुआ है। श्यावकी को भी उसकी बात सही लगती है। घर जाकर फांग जाओ से कहता है कि मैं भी तुम्हारी बात सही है, श्यावकी ने पैसे लिए हैं। सेम टाइम पे श्यावकी फांग को मैसेज करती है और उसे डिनर के लिए इनवाइट करती है। फांग कुछ सोचता है और फिर उसके साथ डिनर पे जाने के लिए अग्री हो जाता है। साथ ही वो जियांग को भी मैसेज करता है और कहता है कि कल रात को तुम फ्री रहना, हम साथ में डिनर पर जाने वाले हैं। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि जब श्यावकी रेस्टोरेंट में थी और फूड सर्व कर रही थी तभी वहाँ पे जियांग आता है, जो वहाँ पे कॉफी पीने के लिए आया था, लेकिन श्यावकी से कहती है कि आज शॉप क्लोज है इसलिए कॉफी तो नहीं है, लेकिन वो उसे पीने के लिए ड्रिंक्स देती है, जिससे जियांग खुश होता है। उसके बाद वो पूछता है कि अगर मुझे डिलीवरी करनी हो तो कैसे करूं, जिससे श्यावकी उसे अपना नंबर देती है ताकि उसे जब ऑर्डर करना होता वो कर सके। दोनों को बातें करता हुआ शाय देख लेती है। जियांग के जाने के बाद शाय श्यावकी के पास आती है और उसे पूछती है कि वो कौन है। श्यावकी उसे बताती है कि वो मेरा क्लाइंट है, जिससे शाय रिलीव होती है। उसे लग रहा था मे बी श्यावकी को फांग से प्यार नहीं है और उससे जियांग पसंद आने लगा है, लेकिन श्यावकी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, जिससे शाय खुश होती है।
तभी वहाँ पे जुबुएन ली आते हैं और वो लोग कहते हैं कि फांग को आने में कितनी देर लगेगी। शाय कहती है कि फांग अपने फ्रेंड के साथ आने वाला है, इसलिए कुछ ही देर में आता होगा। तभी हम देखते हैं कि फांग डॉक्टर जियांग को लेके आ चुका है। शाय उसे देखती है और शॉक होती है और उसके पास जाके कहती है कि तुम फाइनली वापस आ चुके हो और उसे हग करती है, जिससे सभी कंफ्यूज होते हैं। शाय को लग रहा था कि ये उसका एक्स लवर है जो कई सालों पहले उसे छोड़ के चला गया था और वापस आ गया है, लेकिन जियांग कंफ्यूज होता है और कहता है कि मैं वो नहीं हूं। शाय कहती है कि तुम्हारी शक्ल बिल्कुल उसके जैसी है, लेकिन जियांग उसका लवर नहीं था, जिससे अपसेट होकर शाय वहां से रोते हुए चली जाती है और सभी शॉक होते हैं। श्यावकी भी शाय के पीछे पीछे जाती है। फांग जियांग से पूछता है कि तुमने श्यावकी को देखा, तुम्हें क्या लगा कि उसने पैसे लिए हैं या नहीं? जियांग कहता है कि वो बहुत ही रिलैक्स थी, अगर किसी पर्सन ने पैसे लिए हो तो वो आई कॉन्टेक्ट अवॉइड करेगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि श्यावकी तुमसे आई कॉन्टेक्ट अवॉइड कर रही थी। अंदर हम देखते हैं कि जब श्यावकी शाय के पास जाती है तो शाय रो नहीं रही थी, बल्कि उसने तो ये सब नाटक किया था ताकि वो मेकअप लगाने के लिए अंदर आ सके। और वो श्यावकी को कहती है कि मुझे भी जियांग पसंद आया है, तो तुम कैसे भी करके डिनर पे हम दोनों को साथ में बैठने देना, जिसके लिए श्यावकी भी अग्री होती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सभी डिनर टेबल पे बैठे हुए हैं। फिर शाय श्यावकी को इशारा करती है कि वो जियांग को और उसे साथ में बैठने दे, जिससे श्यावकी खड़ी होकर फांग के पास बैठने जाती है और जियांग को अपनी जगह जाके बैठने को कहती है। लेकिन जब जियांग बैठने आने ही वाला था तभी वहां पे ली आकर बैठ जाता है, जिससे शाय अपसेट होती है। फिर फांग अपनी सीट चेंज करके ली के पास ली के सीट पे बैठने चला जाता है और ली श्यावकी के पास आके बैठ जाता है। फिर श्यावकी पॉट का प्लग निकाल देती है और शाय को कहती है कि उसे प्लग चलाना नहीं आ रहा है। हैप्पीली शाय उसके साथ सीट चेंज कर लेती है, जिससे श्यावकी वापस से फांग के पास जाके बैठ जाती है। तभी हम देखते हैं कि जियांग ने फांग को मैसेज किया है कि अगर श्यावकी ने पैसे लिए होंगे तो वो आज हमारे लिए बहुत ही एक्सपेंसिव डिनर बनाएगी। तभी हम देखते हैं कि श्यावकी रियल में बहुत ही एक्सपेंसिव डिनर लेकर आई है, जो देखकर फांग शॉक होता है। सेम टाइम पर फांग गुस्सा होकर वहां से जाता है। श्यावकी उसके पीछे पीछे उसे मनाने के लिए जाती है और उससे पूछती है कि तुम अभी भी गुस्सा क्यों हो, लेकिन फांग उसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देता है। श्यावकी जाती है और उसे हेडबैंड पहना देती है, जिससे फांग कंफ्यूज होता है। सेम टाइम पर श्यावकी उसे शाओ का दिया हुआ कार्ड देती है। मैंने इसमें से कुछ के पैसे खरीद लिए और कुछ का खाना खरीद लिया, बाकी के पैसे तुम्हें रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में काम आएंगे, और कार्ड फांग को दे देती है। फांग उससे पूछता है कि शाओ ने तुम्हें पैसे क्यों दिए, तो वो कहती है कि शाओ ने मुझे पैसे इसलिए दिए थे ताकि मैं तुम्हारी सारी बातें शाओ को बता सकूं। फांग कहता है कि तुम मुझे ये सब कुछ क्यों बता रही हो। श्यावकी कहती है कि ऑब्वियसली मैं जियांग को ट्रस्ट नहीं करती हूँ, और जियांग जैसे लोगों के साथ डील करने का ये परफेक्ट तरीका है, इसीलिए मैंने ऐसा किया। फिर वहाँ से ड्रिंक्स लेके चली जाती है। उसके जाने के बाद फांग स्माइल करता है और उसका पहनाया हुआ हेडबैंड मिरर में देखता है और खुश होता है, लेकिन वो जैसे ही मुड़ता है पास में शाय खड़ी थी, जिसे वो शॉक होकर वहां से जाने लगता है। लेकिन शाय उसे रोकती है और कहती है कि श्यावकी बहुत अच्छी लड़की है, वो खराब नहीं है। कल भी जब हम शॉपिंग करने गए थे तो उसने सबके लिए गिफ्ट्स लिए, लेकिन उसने अपने लिए कुछ भी नहीं लिया क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। आजकल के टाइम पे इतनी इनोसेंट और प्यारी लड़कियां बहुत कम होती हैं, इसीलिए तुम्हें उसकी वैल्यू करनी चाहिए, जिससे फांग खुश होकर बाहर जाता है। फिर साथ में सभी डिनर करते हैं। नेक्स्ट सीन में जियांग और कांग साथ में बैठे हुए थे, जहाँ पे जियांग कहती है कि मैंने श्यावकी से कहा था कि मुझे फांग की रिपोर्ट दे, लेकिन वो तो मुझे ये बताती है कि फांग ने क्या खाया, क्या पहना, क्या कर रहा है। उसने जो पैसे लिए उसने उसका कुछ भी काम नहीं किया, और फिर वहां से जाने लगती है। उसके जाने के बाद कांग अपनी ड्रिंक में कुछ मेडिसिन मिला के पीता है। उसके बाद हम देखते हैं कि श्यावकी एंड फांग साथ में बैठे हुए हैं, जहाँ पे श्यावकी उसे दिखाती है कि उसने श्यावकी को कौन से मैसेजेस करे हैं। तभी जियांग फांग के पास आता है। फांग उसे श्यावकी के बारे में पूछता है, तो जियांग कहता है कि मुझे तो लगता भी नहीं है कि वो ह्यूमन है, क्योंकि कोई भी ह्यूमन ऐसा नहीं होता है। वो बिल्कुल भी कॉम्प्लेक्स नहीं है, वो जैसी है वैसी हम सबको दिखाती है। वो तुमसे बहुत ही प्यार करती है और वो बहुत ही ज्यादा नाइव है, उसके ज्यादा कुछ नहीं चाहिए और वो बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं है। जियांग कहता है कि शाय ने मुझे अभी बताया कि श्यावकी तुम्हें बहुत टाइम से प्यार करती है, लेकिन तुम हमेशा उसे अवॉइड करते रहते हो, लेकिन तुम उसकी फीलिंग को रेसिप्रोकेट नहीं करते हो। इसीलिए तुम्हारे फ्रेंड के नाते मैं तुमसे कहना चाहता हूं कि तुम्हें इस बारे में सोचना चाहिए, और ऐसा कह के वहां से चला जाता है। फांग श्यावकी को देखता है। उसके बाद श्यावको एंड जाबू साथ में थी, वहां पे हम देखते हैं कि ली ड्रंक है। सेम टाइम पर श्यावकी देखती है कि की भी बॉडी में शॉर्ट सर्किट हो रहा है, क्योंकि उसने जो ड्रिंक की थी उससे वो ड्रंक हो चुकी है, जिससे वो जियांग को वहां से लेके जाने लगती है। फिर ली भी वहां से जियांग के पीछे पीछे जाता है। तभी श्यावकी के पास फांग आता है और कहता है कि तुमने जियांग के साथ जो किया उसके लिए तो हमें सेलिब्रेट करने के लिए मॉल में जाना चाहिए। श्यावकी खुश होती है, लेकिन फिर वो रियलाइज करती है कि इस टाइम पर तो मॉल बंद होगा, लेकिन फिर फांग उसे देख के स्माइल करता है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शियाओकियन फांग मॉल में है, लेकिन वहाँ पे बहुत ही अंधेरा है। तभी फांग क्लैप करता है और हम देखते हैं कि पूरे ही मॉल में लाइट ऑन हो चुकी है। ये देख के शियाओकी खुश होती है एंड देन फांग को देखती है, और उसके साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें एंड वीडियो पसंद आई है तो लाइक भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।